नरेंद्र मोदी ने 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर से कोविड 19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। पीएम ने कहा कि आज देश में करीब 1,00,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि इस वायरस का बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये उसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ, आज देश में 1,00,000 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है।